काका साहब कहाँ हैं माँ? अर्जुन, बात क्या है? काका साहेब, हनीमून से वापस आ गए अर्जुन। वैसे सच पूछो तो मुझे ताजुब नहीं हुआ। मैं जानता था कि तुम वापस आकर सबसे पहले मुझसे आकर मिलोगे। लेकिन तुमने आने में जरा सी देर कर दिया अर्जुन। लगता है तुम्हें आज ही अपने प्रोजेक्ट के बारे में पता चला है और ये भी पता चला है कि ये सब किसने करवाया है। एक बात कहूं अर्जुन, अब हमें ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म कर देना चाहिए। हम दोनों ये अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हारे साथ आज तक जो कुछ भी होता आया है उसके पीछे किसका हाथ है। हम दोनों ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये लड़ाई सिर्फ हम दोनों के बीच में है। मैंने आज तक तुम्हें इतला किए बगैर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें कोई ना कोई इशारा तो जरूर दिया है अर्जुन। जब मैंने सूरज किरण की कामयाबी की पार्टी दी थी तब तुम्हें यह समझ जाना चाहिए था कि मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। लेकिन लगता है अर्जुन कि तुम इशारे समझने में जरा से कच्चे हो। चलो इस बार मैं तुम्हें बता ही देता हूं, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट जो मैंने छीना है इसे अपनी अगली बर्बादी का इशारा समझ लो। इशारे तो आपके बहुत पहले से समझता आया हूं काका साहेब। बस ये भूल गया था कि एक इंसान किस हद तक गिर सकता है। कमाल है अर्जुन, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारा गुरूर नहीं गया। भरोसा है काका साहेब अपने आप पर। भरोसा अपने आप पर भरोसा बहुत अच्छी बात है अर्जुन, लेकिन यह भूल जाना कि तुम किसके सामने लड़ रहे हो बहुत बड़ी बेवकूफी है, खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें अच्छी तरह याद होगा अर्जुन कि इसी प्रोजेक्ट के लिए तुमने महाशिवरात्रि को पूजा मेरे हाथों करवाई थी, उसी का फल शायद मुझे आज मिल रहा है। एक बच्चे होकर तुमने मेरा गिरेबान पकड़ने की जो बेवकूफी की थी उसके लिए तुम जिंदगी भर पछताओगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है अर्जुन, सिर्फ शुरुआत है। अब तुम जा सकते हो। आओ भूमि, मैं तुमसे मिलने आने ही वाली थी। माफ करना बेटा, तुम दोनों को अचानक वापस आना पड़ा। आओ बैठो। भाईसा, मैं आपसे कुछ बात। बोलो बेटा। भाईसा, जब मैं यहाँ नहीं थी क्या आपने सब बहू का हिस्सा उनमें बांटने का फैसला किया था? क्या बात है भूमिका, क्या माँ जी ने सभी फाइल आपसे दी थी? कहिए ना भाई साहब,
सारी फाइल मैंने यहीं बाईसा के पास रखी थी, अभी लेकर आती हूँ। सीरा तुम्हारी फाइल, और इस फाइल को अपने पास संभाल के रखना। माँ जी ने मेरी फाइल नहीं ली थी ना बैसा। तो क्या हुआ भूमि, ये फाइल तुम मुझसे भी तो ले सकती हो। ऐसा माँ जी ने मनस्वी भाभी की भी फाइल ली, सिर्फ मेरी नहीं ली है ना। मैं इसे वापस रख देती हूँ। ये 425 करोड़ की प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम है। भाभी, माँ जी ने मुझे अब तक नहीं अपनाया है, और जब तक वो मुझे इस काबिल नहीं समझेंगे, मैं इसे नहीं ले सकती। मैं ये फाइल तभी लूंगी जब माँ जी खुद अपने हाथों से ये फाइल मेरे हाथों में देंगे। तब तक ये फाइल आपके पास रहेगी भाईसा। अर्जुन, सारे किए कराए पे पानी फिर के पड़ रही। अर्जुन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी जो लोग दूसरों का बुरा नहीं करते उनके साथ बुरा कभी होता ही नहीं। अर्जुन फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, और मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना। अर्जुन, मुझे पूरा यकीन है तुम इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकालोगे। तो अब जाओ, अपने रास्ते की सारी उलझनों को दूर करो और आगे बढ़ो। भूमिका, भूमिका, मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। कहिए ना भाभी। भूमिका, आज मैं यहाँ हमारे बीच हुई सारी कड़वी बातों के लिए माफी मांगने आई। भाभी, हाँ भूमिका, अर्जुन का तुम्हारे साथ हनीमून पर जाना मुझे कई बातें सिखा गई। मैं बहुत रोई, बहुत दुखी हुई मैं, लेकिन उस पल ने मुझे एक बात अच्छी तरह सिखा दी, और वो है जिंदगी की सच्चाई। भूमिका, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं। एक बात मैं अच्छी तरह से जान गई कि शादी से ही सच्चा रिश्ता कायम। सिर्फ तुम्हारा है भूमिका, सिर्फ तुम्हारा। और आज मैं यहां इसी आस के सहारे आई हूं कि तुम मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दोगे। और ये स्वीकार करोगे। भूमिका, ये तुम्हारी और अर्जुन की शादी के लिए मेरी ओर से एक छोटा सा तोहफा।
जानती हूँ भूमि, इतना सब कुछ हो जाने के बाद तुम्हारा मुझ पर विश्वास करना मुमकिन नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।